हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, फिर से एक बार नर्सिंग ऑफिसर की दोस्तों ग्रुप बी के अंदर यहां पर 1402 पोस्टों पर नर्सिंग वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों इसके अंदर हर एक उम्मीदवार जो है अप्लाई कर सकता है। जिनने यहां पर बीएससी किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, वो सारे कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या रहने वाली है दोस्तों, साथ ही इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है, कब तक इसकी फुल नोटिफिकेशन आएगी और इसकी पूरी एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, जिसका लिंक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार हमारे टेलीग्राम पर जुड़ रहे हैं, उन सभी को शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक नए रिक्रूटमेंट की वैकेंसी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप सभी को शेयर की जाती है। तो जैसा कि दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस है, इसमें कि बहुत ही कम डिटेल है। अब दोस्तों, आपको फुल डिटेल के साथ इस पीडीएफ की पूरी अपडेट देने वाला हूँ। कौन से स्टेट कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों से देख सकते हैं कि JIPMER नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर 1402 पोस्ट की यह वैकेंसी आउट की गई है। पर दोस्तों, इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर जारी कर दी गई है और इसकी जल्द ही नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर रहते हैं कि jimper.edu.in पर जाकर इसकी यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन अपडेट होगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन देख सकते हैं कि 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन अप्लाई हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर नर्सिंग रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, यहां पर जो आप सभी की पोस्ट हैं वो 400, यहां पर 1402 रहने वाले हैं। जो आप सभी की सैलरी है, यानी कि एम्स के बराबर ही आप सभी को सैलरी मिल रही है, 44,900 से लेकर दोस्तों यहां पर जो है 1,42,400 तक दी जाएगी। एज लिमिट रखी गई है 32 साल तक और एज रिलैक्सेशन जो होता है गवर्नमेंट रूल के अनुसार वो भी दी जाएगी। यहां पर प्रोबेबिलिटी पीरियड जो है 2 साल का यहां पर आप सभी को रखा गया है। एक्सपेक्टेड किया गया है जो एग्ज़ाम है वो आप सभी का नवंबर में कराया जाएगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल है इसमें दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसके यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर देते हैं कि इन स्टेट दैट बोथ वी सिलेक्शन प्रोसेस एंड नॉन सिलेक्शन प्रोसेस और नॉट अप्रूवेबल 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड की तरह से की जाएगी, यहाँ पर की जाएगी इसकी सिलेक्शन। इसके बारे में थोड़ा नीचे डिटेल कर लेते हैं दोस्तों। जो आप सभी कैटेगरी है वो 32 साल तक रखी गई है। आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की वो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स रखी गई है, यानी कि बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट यहाँ पर जो है इंडियन नर्सिंग काउंसलर या स्टेट नर्सिंग काउंसलर से आप सभी की यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग या मिडवाइफर स्टेट इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसलर्स होना चाहिए आपसे दोस्तों। इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए या स्टेट या नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसलर से, और रजिस्ट्रेशन जो है आप सभी की यहाँ होनी चाहिए। पर दोस्तों, इसके अंदर आप अप्लाई करने के लिए कम से कम 50 बेड का यहाँ पर जो है तजुर्बा होनी चाहिए, तभी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिटेल है मैंने आप सभी तक यहाँ पर जो है शेयर कर दिया गया है। जैसे ही दोस्तों इसका लिंक एक्टिवेट होगा, उसके बारे में सारी डिटेल मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के दोस्तों जय हिंद।